जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, मैं राजेंद्र अजमेर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो रहने वाला है कि जो राजस्थान वाले हरियाणा या मध्य प्रदेश से BHTC करते हैं उनकी योग्यता क्या रहती, तो ये वीडियो है मध्य प्रदेश से संबंधित। तो मध्य प्रदेश में जो DLED करते हैं राजस्थान वाले, उनमें जो दोस्तों आपकी परसेंटेज कितनी चाहिए और दोस्तों आपकी आयु क्या होनी चाहिए, क्या आप मध्य प्रदेश से STC यानी DLED करने के बाद आप मान्य हैं, मतलब राजस्थान के रीट या थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं, इन सब के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपने अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये है दोस्तों आपका जो PDF दे रखी है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED नियमित पाठ्यक्रम के लिए है, यानी रेगुलर पाठ्यक्रम है। प्रवेश के नियम यहाँ पर जो नियमावली है मैंने डाउनलोड की है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ठीक है। तो ये दोस्तों आपके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो सबसे पहली बात कि जो राजस्थान वाले हैं अदर स्टेट से करके आते हैं STC BEd या दोस्तों आपके BSTC या DLED, तो उसकी मान्यता पूरी बराबर अपने राजस्थान के जितनी है। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने से प्री एग्ज़ाम होने लग जा, यानी प्री BSTC का एग्ज़ाम यहाँ पर होता है और वहाँ पर नहीं होता, वहाँ डायरेक्ट हो जाता है। तो इसमें परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज दोस्तों न्यूनतम आपके अदर स्टेट में से BSTC या DLED करने के लिए 50% चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, फर्स्ट बात। और दोस्तों अगर आपको जो आयु आयु की बात यहाँ पर करें तो आयु अपन देख लेते हैं कि जो आपके शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या रहेगी। जो प्रवेश हेतु दोस्तों आपके शैक्षणिक अर्हता क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी NCT के मापदंड के अनुसार अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड से हायर एजुकेशन यानी 10+2 स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में यहाँ पर उत्तीर्ण होना है, ठीक है। यह 50% की बात हो गई और आयु की बात है तो 1 जुलाई को 17 वर्ष आपकी आयु पूर्ण हो जानी चाहिए। ये दो बात हो गई दोस्तों कि आपकी आयु 1 जुलाई न्यूनतम और अधिकतम है 33 के लगभग, यहाँ पर अधिकतम नहीं दे रखा है लेकिन फॉर्म एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करते हैं, ज़्यादा एज हो जाती है। तो उसके बाद में दोस्तों इसके अलावा आपका जो डाउट है कि हम जैसे कि SC ST OBC है तो अदर स्टेट में जनरल से करके आते हैं और यहाँ पर आकर अपने कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं क्या, बिल्कुल 100% आप अपनी कैटेगरी से करोगे। आप तो बस एक डिप्लोमा लेके आ रहे हो, चाहे सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन NCET के मापदंड के अनुसार नियमानुसार होना चाहिए वो डिप्लोमा, ठीक है। तो आप कहीं से भी करके लेकर आओ, जम्मू कश्मीर से लेकर आओ। पहले तो क्या होता था दोस्तों कि अपने राजस्थान में सीटें बहुत कम थी BEd वगैरह STC में। अभी आप STC का देख लो ना कि अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें पिछले 10 सालों का, तो क्या है कि 2 लाख सीटें भरी है प्रत्येक साल, जो 20,000 के लगभग सीटें थी एवरेज 10 साल का, तो दो लाख लड़के ही करने चाहिए थे और 1 लाख की भर्ती निकल गई है पिछले 10 सालों में। 1 लाख L1 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1 लाख ही बचने चाहिए। तो आपके ये बताओ कि 4 से 5 लाख जो स्टूडेंट है वो कहाँ से आएंगे, तो सभी अदर स्टेट से ही करके आके यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या कम है। और जो नए बंदे हैं, जो नए लड़के हैं खासतौर पर, उनको बाहर से करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों जो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं ऑलरेडी लड़के जिन्होंने BEd कर रखी, वो वापस BSTC करने के लिए दोस्तों फॉर्म भरते हैं और उनका नंबर 100% आता है। इसलिए आप जो प्री BSTC में नंबर नहीं आ पाता है तो आप अदर स्टेट से कर सकते हैं, हरियाणा से या मध्य प्रदेश से। तो आप हमारे थ्रू करोगे तो ये फायदा है कि आपको 100% आपको जो है दोस्तों वैलिड काम मिलेगा, NCET अप्रूव्ड वगैरह। इसके अलावा दोस्तों आपका जब सेकंड दोनों ईयर की जो मार्कशीट नहीं आ जाती, यानी पूरा कंप्लीट डिप्लोमा नहीं हो जाता जब तक आपका पूर्ण सहायता करेंगे, वहाँ ठहरने की सब कुछ हर प्रकार की व्यवस्था हम देखेंगे। तो ये था आपका जो वीडियो है आज का, जो मध्य प्रदेश से जो BSTC करना चाहते हैं। और जो आपका जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मध्य प्रदेश से BSTC करने के लिए चौथा राउंड चल रहा है अभी, कौन सा चौथा राउंड चलेगा अभी 16 से 20 तारीख तक, तो आप उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो। फिर उसके बाद में जो 26 से 1 तारीख तक चलेगा और 1 अगस्त से आपकी जो क्लासें शुरू हो जाएगी। तो ये था दोस्तों आपके मध्य प्रदेश से BSTC कैसे कर सकते हैं या राजस्थान वालों की जो मान्यता है या नहीं है, मध्य अदर स्टेट से करके आते हैं तो रीट में मान्य है या नहीं, मध्य प्रदेश से BSTC करने के लिए राजस्थान में रीट की 100% वैल्यू है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।